हम अपनी जिंदगी में लड़के हर तरह हर साल तक दिमाग के उम्र का एहसास रखे और हम कदर रखे क्योंकि मासूम की अदाय से मासूम करवाते कि हमारे यार तो हमारे ही कीने से बनती है उन्हीं के कमी से हमारी चिंता उन्हीं के कमी से हुई है हमारी चिंता जो है हमारा जो वजूद है वो उनकी ही अर्थता मिट्टी की वजह से नहीं है क्योंकि उनकी चिंता ये भी एक दौरदार है कि आपको मिलता है कि जिस चीज से हमारी रूह बनी है उस चीज से उनका चीज बना है तभी तो उनके चीज के अंदर हमारी रूह की खुशियात पाई जाती है रूह जो है पता छत्ते में जहां से चली जाए रूह को कहते नहीं जब ये चीज रूह से ये रूह जब इस चीज से आजाद होती है तो उसके ऊपर कहती रहती है वो हिंदुस्तान में है तो एक बार छोटे में मेगा हो सकती है नजर हो सकती है हो सकती है फिर उसके लिए आपको कुछ पता नहीं है ये दीवार है एक और चीज है आगे आदमी की जिंदगी में जब वो जिस तरह थे सारी चीज खुली एक तरह की बात इसकी वजह की क्या कर पा रही है कि हमारा जो जिस चीज से अल्लाह ताला ने हमारे रूह को बन किया है उस चीज के और थोड़ा उसके बदलाव के थोड़ा चीजों के आदेश पे रूह वाला से आगे आदमी की जरूरत है तो हम तो अपने सर से पैर तक अपने माँ के वजूद का एहसास करते हैं अपने माँ को हाँ लेकिन कुछ लोग हैं जो सारे तौर पर बेनियाज हैं उनको उस वक्त एहसास होगा कि हाँ इमाम से पर अकीदा रखने दुनिया में कितना जरूरी था वो जब बहुत देर हो चुकी हो और जिसको तौफीक अल्लाह देता है दुनिया में भी उसकी तरफ रहनुमाई हो जाती है अलावा मलिसी अपनी किताब रूहुल हयात में लिखते हैं कि एक बार एक आलिम थे से मुर्तजा एक बड़े आलिम उनके काफिले में उजारत हो जा रहे थे कि एक जवान लड़की थी 17-18 साल की लेकिन उसके पूरे बाल सफेद हो गए चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई 17-18 साल की लड़की तो लोगों ने आकर आके मौला आप जरा इस बच्ची के लिए दुआ कर दीजिए ये बच्ची जो है वो की जवान है इसकी शादी भी नहीं हुई लेकिन ये बूढ़ी औरत लड़की 17 साल की जैसे कोई बूढ़ी औरत हो तो मौला ने बुलाया वो बच्ची को क्या बात है तुमको ऐसा क्यों हुआ तब उसने बताया कि देखिए मौलाना साहब हम शिया मजहब का कायल नहीं थे हम शिया नहीं थे हम इबादत का अकीदा नहीं रखते थे लेकिन मेरा एक भाई था हम उसे बहुत मोहब्बत करते थे दोनों एक जैसे कहा जाए कि एक दर्जे की जुदाई बर्दाश्त नहीं करना बहुत ज्यादा ही चाहते थे बहुत टाइम मेरे भाई की भाई का इंतकाल हो गया अब भाई को जब ले जाया जाएगा तो मेरी कब्रिस्तान पहुंच गई और वहां से आने के लिए तैयार नहीं लोग जबरदस्ती मुझे पकड़ करके उठा करके घर पे लेके आए मैं एक तरह के बेचारे की मुझे भाई के साथ लड़का दिया है इतनी ज्यादा उसको मोहब्बत थी वो कहती है जब घर वाले भी आए और फिर हमने कामों में मशगूल हो गए रात का वक्त हुआ तो मैं भी भाई का रास्ता तो अब उसको मेरे भाई का तो बराबर कर दी गई थी और लगा दी गई थी लेकिन उसके बावजूद एक एक गड्ढा था मैं उस गड्ढे में छुप गई और वहां से मैंने एक सुझाव किया कि ताकि उस सुझाव के जरिए मैं अपने भाई को देखूं मैंने अपने भाई को देख रही थी भाई का रास्ता बड़ा हुआ था थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि आसमानों से कुछ फरिश्ते भी आए आसमान से फरिश्ते आए और भाई को मेरे जिंदा किया गया और मैं उठ के बैठा आलावा मैं इसकी रूह लाया इस वाक्य के लिए भाई मेरा उठ के बैठा और उसके बाद देखा कि पूरी तौर पर नूरानी हो गई बहुत ज्यादा और जो फरिश्ते हैं वो एक नूरानी कुर्सी ला करके नूर से बनी थी कुर्सी ला करके रखा और ऊपर बोला कहता चले करता है और वो उसी कर रहे थे अब ये जो फरिश्ते थे अब इस मेरे भाई से सवाल कर रहे हैं बताओ तुम्हारा पता कौन है मन रखू का ये बुनियादी सवाल है मन रखू मेरे भाई थोड़ा दबाव थी दबाव में उसकी मदद कर रही थी कोई थोड़ी लेकिन जो कुर्सी पर बैठे थे उन्होंने कहा कि हाँ बताओ बताओ घबरा नहीं बताओ अल्लाह रब्बी अल्लाह मेरा रब है तो मेरे भाई फौरन कहा हाँ अल्लाह मेरा रब है फिर उसने पूछा गया कि माँ किताब हो तुम्हारी किताब कौन सी है फिर मेरा भाई थोड़ा घबराया और उनकी वजह और दहशत की वजह से वह जो है किताब को उठाने लगी वहां पर तुम्हारा किताब कौन है फिर उन्होंने कुर्सी पर जो बैठे थे उन्होंने बताया कि हाँ हाँ बताओ फलान मेरा किताब है मन रसूल तुम्हारा रसूल कौन है फिर उन्होंने कुर्सी पर जो बैठे थे उन्होंने इशारा किया बताओ बताओ मोहम्मद हमारे रसूल
वो जो पुस्तक कहे थे उन्होंने नजर नहीं करे। अब वो कुछ नहीं बोल रहे, कुछ भी बदल नहीं कर रहे। अब मेरे भाई के वहां पर आए नहीं था, हो चुका थोड़ी देर तक तो ने इंतजार किया। उसके बाद एक ऐसा आप किसी गुण और आग का बता हुआ एक ऐसा गुण मेरे भाई पर मारा कि गुण पर आग से भर गई और ये बंदर देखकर के मैं चीन के वहां पर बेहोश हो गई। उसके बाद फिर लोग मुझे घूमते हुए आए, लेकर के मुझे घर पर आए और थोड़ी देर बाद मेरा ये हाल हो गया, मेरे चीन के सारे बाल सफेद हो गए और ये मेरे चेहरे पर छुटियां पड़ गई। तो लगता है कदर इमामत की नजर जिनको दुनिया में हो जाए एहसास वो खुशकिस्मत है, अरे कोई नहीं है। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें जो वो दुआ करते रहते हैं कि हमें सदा को सही दिए जाए कि हमें उनको हिदायत दी है सलाह दे दिया। اللهم صل على محمد وعلى محمد
एक आठ बजे दिल्ली के बाहर प्रवर्ती चले काम पे बाहर बजे शहर से उधर से तैयारी की थी जाके जेब में मेरे से प्रवर्ती मशाला बहुत तरह जमा कर ली थी वो तमाम तरह तरह के सामान और मदद रात में बेच रहे आया अपने घर पे और ये सो रहे थे सारा सामान उसने समेटा धीरे धीरे और एक बड़ी सी गठरी बनाई क्योंकि सामान भी ज्यादा था आपके लिए
जवाब है कि हाँ हाँ पता भी नहीं चलता, तो आप उधर से पकड़ लेंगे। अच्छा है, तो आप उधर पकड़ सकते हैं।
ऐसी चीजें जो नामुमकिन है, आज मेरे साथ भी एक मिसाल दी, एक बार मैं आपको मिले और धार में एक बार मैं आपका नहीं किया और नहीं हुई तेरे से बीच के डॉक्टर है मैं आपको सलाम पढ़ दिया तो अब अपनी जहीन मतलब अल्लाह खाते में जान अल्लाह
होकर जली है, तू मेरा जली बंदा है और मैं तेरा अजीम परवरदिगार हूं। जब ये कहता था तो रायतुल है कि मलाइका और शे इलाही गरजने लगता था। जब ये बात होता यहां तक के एक बार फरिश्ते आए और कहा कि किसी और का चाहे है लड़ने के, और जिन्ने ने वो भी कहा कि आपने गाली की है, आपको पता है उसने दुआ बदल दी है। अब वो ये कहता है जब ये सुना तो बोला भी काटने के और बोला है और उसको बुलाया, उसको सबको कहा जा 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 और बुला चलो गया और फिर बोला समझा अरे तुम ये क्या कहते हो, ये कहना चाहिए तो भाई गाली दे गया है तू तो परेशान था, तो मैं जाहिर है फोटो ले जाता हूं, मैं जी की कहते तो देखता हूं वो अपने जी के वही कहना था तुझे समझाया है बस अपना ये भी नहीं ना उसको ऐसा हो गया इतना भी नहीं। अगर हम इल्म हासिल कर ले और उसके बाद कभी आपके सामने मस्जिद ना पढ़े ना दर्स पढ़ाए कहीं कुछ नहीं खामोश बैठे रहे कब्रिस्तान में मुर्दे की तरह से, कोई फायदा नहीं है ऐसे इल्म का। चलो मस्जिद हम नहीं पढ़ पाते लेकिन कम से कम एक हौजे इल्मिया में पढ़ा तो रहे, एक अपने इल्म का एक मसरफ तो करें। लेकिन अगर कोई मसरफ ही ना हो, ना कहीं मदरसे में से जुड़े रहे, ना कोई मस्जिद पढ़े, ना कोई और काम करे, ना किसी की नसीहत करे, ना कुछ ना अपने को सुधारे, तो ऐसे इल्म से क्या फायदा। तो जनाब मूसा ने कहा कि जाओ अब जाओ तबलीग करो, जाओ
سے ڈراؤ سمجھاؤ اور جو مایوس ہو اللہ کی رحمت سے ان کو امید دلاؤ اللہ تعالیٰ کی. نہ مایوس ہو اور نہ ہی مغرور ہو. وہ چلا گیا. ایک عرصے تک اس کی کوئی خیر خبر نہیں. کئی سال ہو گیا کوئی خبر ہی نہیں پلٹ کے وہ آیا ہوتا یا اس کی کوئی خبر بھی نہیں ہوتی. ایک دن جناب موسیٰ نے کہا کہ آج اللہ میاں سے پوچھتے ہیں کہ گیا کہاں گیا میرے دی محنت اتنے سال کی کیا ہو رہا ہے. یہ واقعات کتاب ہے جو تاریخوں کی محسوس لکھی گئی ہے. تاریخوں کو کیسے ہونا چاہیے کیا ہے اور ماں کو کیسے ہونا چاہیے. اس میں ایک بات آ گئی ذہن میں آ گئی تو اپنے بچے اپنے گاؤں میں بچہ بھارتی ہے ہمیں سنا کے سلام کر لیا جو
इंसान का मिजाज होता है, बात करो थोड़ा सी बात करो लेते हैं आपको ले जाता है, बात करो जल्दी हासिल करता है, बात दो कर दिन थोड़ा सख्त होता है तो वो हासिल नहीं करता है। लेकिन दिल तो अमीन होता है, हम कोई शिकायत करें जो गौरव में अमीन ना होते हो, लेकिन सब हरा तो नहीं होता है। कुछ लोग चीज चीज होते हैं मजलिसों में, कुछ लोग धीरे धीरे होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल हासिल नहीं करता, लेकिन फिर भी नतीजा अमीन तो रहते ना। वो है बात कि जो रोने जैसा हो रहा है, दिल बंदी है लेकिन आपको यही नहीं करता है तो भी उसको प्रेजेंट बन गए नहीं कि दिल कहीं और है और आप जो है हंस रहे कुछ अंदर से और रोने जैसा हो रहा है तो भी आपको जो है अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। ऐसा नहीं है, रियाकारी कहीं पर भी अल्लाह को पसंद नहीं है। सलाम दे दीजिए अगर वो अपने को मरीज ना समझे